नमस्कार, आप बिहार इंसॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। जाड़े के दिन में धूप सेकना आम बात है और ऐसा करना बिहार के शिक्षक को महंगा पड़ गया है। वेतन भी रोक दिया गया है। जी हां, आपको बता दें कि ये मामला बिहार के मधुबनी जिले का है, जहां पे शिक्षक और प्रधानाध्यापक जो है जाड़े का टाइम है अभी और धूप सेक रहे थे, बातचीत कर रहे थे। इसी वक्त जो है वहाँ पे निरीक्षण करने के लिए DO पहुँच गए, जिसके बाद इन सभी लोगों का वेतन जो है वो रोक दिया गया है। तो दरअसल आपको पूरा मामला बता देते हैं। ये मामला जो है वो 13 दिसंबर का है, जहाँ पे प्राथमिक विद्यालय गोहनपुर तितराहा प्रखंड पंडौल का किए गए निरीक्षण के क्रम में जो है ये पाया गया कि वहाँ पे प्रधानाध्यापक और शिक्षक जो हैं वो धूप सेक रहे थे, बैठ के बातचीत कर रहे थे, और इसी क्रम में DO जो है वो निरीक्षण करने पहुँच जाते हैं। देखिए, आपको पता होगा कि इन दिनों जो है विद्यालयों का निरीक्षण रोज करने का आदेश KK पाठक की ओर से दिया गया है और अधिकारी रोज़ निरीक्षण भी करते हैं, और इसी क्रम में जो है ये बात सामने आई। और जब DO साहब स्कूल का निरीक्षण करने पहुँचे, उस वक्त प्रधानाध्यापक और शिक्षक जो हैं वो धूप में बैठ के धूप सेक रहे थे और बातचीत करते हुए नजर आए, जिसके बाद उन पे जो है ये कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि सभी कार्यरत शिक्षक निर्धारित समय तालिका के अनुरूप शैक्षणिक गतिविधि को छोड़कर धूप में बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे। साथ ही विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों द्वारा अवगत कराया गया कि विद्यालय में कार्यरत टोला सेवक भी समय से विद्यालय में नामांकन नहीं करा रहे हैं और ना ही जो बच्चे विद्यालय नहीं आते हैं उनको भी नहीं ला रहे हैं। कार्यरत शिक्षक एवं टोला सेवक का यह कार्य जो है विभागीय आदेश की अवहेलना है और इसके प्रति जो है कार्य के प्रति लापरवाही दिखती है, जिसको लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सख्ती दिखाते हुए उक्त विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक सहित सभी कार्यरत शिक्षकों एवं टोला सेवकों का जो है दिनांक 13/12/2023 का वेतन अगले आदेश तक जो है इसे स्थगित कर दिया और सभी को निर्देश दिया। वहीं 14 दिसंबर को संध्या 5 बजे तक उन्हें स्पष्टीकरण भी देने को कहा गया है कि आखिर आप काम के समय में धूप क्यों सेक रहे थे, आखिर मामला क्या था। टोला सेवक पर भी गाज गिरी है, उनके भी वेतन को जो है स्थगित किया गया है और उनसे भी आज शाम तक जो है स्पष्टीकरण मांगा गया है। तो मामला बिहार के मधुबनी जिला का है, जहां पे हेडमास्टर साहब और शिक्षकों को धूप सेकना महंगा पड़ गया है, उनका वेतन स्थगित कर दिया गया है, साथ ही स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।